attack. रूस और यूक्रेन में जारी भीषण जंग को बीते शनिवार 2 साल पूरे हो गए। इस युद्ध ने लाखों लोगों की जान ले ली। यूक्रेन में लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा है। साथ ही शहर दर शहर तबाह हुए हैं। इसी के साथ ही युद्ध तीसरे साल में भी प्रवेश कर गया है। युद्ध विराम की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आती दिख रही है। इस बीच हाल में यूक्रेन के शहर अवदिवका पर कब्जा जमाने वाले रूस को एक और बड़ी सफलता मिली। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी ताजा वीडियो के मुताबिक रूसी सैनिकों ने अवदिवका के केमिकल प्लांट पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। इसमें अब रूसी जवानों को नेटो देशों के बड़े हथियारों का जखीरा और भीषण गोला बारूद हाथ लगा है। माना जा रहा है कि हालिया रूसी दावा यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। जहां एक ओर यूक्रेन पहले से ही हथियारों की कमी से जूझ रहा है, वहीं अब यूक्रेनी हथियारों पर रूसी सेना के कब्जे से जेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इतना ही नहीं, रूसी सेना ने अवदिवका केमिकल प्लांट में स्टारलिंक सैटेलाइट टर्मिनलों पर भी अपना नियंत्रण कर लिया है। रूसी अधिकारियों की माने तो ये यूक्रेन को यूरोप से जोड़ने वाली अपनी तरह की सबसे बड़ी सर्विस थी, जो फरवरी 2022 में संघर्ष शुरू होने के बाद यूक्रेन के आक्रमण की धुरी बना था। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूसी हमलों के अपनी जान बचाते हुए भागे यूक्रेनी सैनिक हथियारों को छोड़ गए। इसमें स्टारलिंक टर्मिनलों से जुड़े ड्रोन नियंत्रण स्टेशनों, दर्जनों नेटो निर्मित एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर, गोला बारूद, हथगोले, स्वचलित हथियार और सूखा राशन बरामद हुआ है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शेयर वीडियो में रूसी सैनिकों को केमिकल प्लांट के परिसर में घूमते हुए दिखाया गया है। इसमें सैनिक रिले स्टेशन समेत संचार उपकरणों के बॉक्स की जांच करते देखे जा सकते हैं। वीडियो में ग्रेनेड लॉन्चर के लिए नाजुक गोले से भरा एक टोकरा और 12.7 मशीन गन राउंड से भरा एक धातु कंटेनर भी दिख रहा है, जिस पर इटालियन भाषा में मिनिस्टेरो डेला डिफेसा लिखा हुआ है। बता दें कि यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी की ओर से बनाए गए स्टारलिंक इंटरनेट टर्मिनलों का उपयोग नागरिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए कर रहा है, जिसमें इकाइयों के बीच संचार बनाए रखना और ड्रोन और तोपखानों को निर्देशित करना शामिल है। गौरतलब है कि यूक्रेन का अवदिवका शहर लंबे समय से कीव और मॉस्को के बीच युद्ध के फ्रंट लाइन में था। 2 साल पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद भी इस शहर में कई महीनों तक भयंकर लड़ाई हुई थी। बीते साल मई में बखमुत शहर पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना की यह सबसे अहम कामयाबी मानी जा रही है। रूस को अवदिवका शहर पर कब्जा ऐसे समय पर हासिल हुआ है जब यूक्रेन को अमेरिका से सैन्य सहायता मिलने में लगातार देर हो रही है। इसके चलते यूक्रेनी सेना गोला बारूद की भारी कमी का सामना भी कर रही है।